सो फाइनली दोस्तों, जट मूवी को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। गाइज, एक ऐसी न्यूज लेकर आ रहा मैं, भाई साहब बवाल मच जाएगा। जहां एक तरफ पाजी का हथौड़ा जहां नॉर्थ में 3500 स्क्रीन पर करोड़ों कमा गया, वेल दोस्तों एक बार फिर से मैत्री मूवी मेकर बोले तो जट मूवी के प्रोड्यूसर सबसे बड़ा बैनर, जो कि दोस्तों अब प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर से अब एग्जीबिशन बन चुका है। वेल गाइज, जट मूवी अब कमाएगी करोड़ों, हैदराबाद और साउथ में मचेगा धमाल। और कैसे कमाएगी करोड़ों, कैसे मचेगा धमाल दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया, और साथ ही साथ टीजर ट्रेलर कब तक आ सकता है वो भी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, लाइक कमेंट करना मेरे भाई रवि चौधरी प्यार देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गाइस, सनी देओल फैंस असेंबल हियर, बजाते रहेंगे बैंड, आइए शुरू करते हैं। सो वेल दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, जो आप लोग लाइव आते हो, वीडियो को देखते हो, कमेंट करते हो, प्यारे प्यारे आप सभी भाइयों को बहुत 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 प्यार, एंड इसी तरह दोस्तों सपोर्ट करते रहिए। गाइस, कुछ दिनों से मेरे खिलाफ साजिशें हो रही है, कई लोग ऐसे हैं जो मुझे नीचा दिखा रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं एंड वगैरह वगैरह बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे मुझे लेकर, कुछ हेटर्स, कुछ छपरी यूट्यूबर एंड क्या ही बताऊँ दोस्तों, मेरे पीछे पड़ चुके हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि भाई साहब मतलब फेक आईडी से, मतलब मैं लाइव के अंदर, मैं लाइव में खुद भी जा रहा हूँ और खुद भी फेक आईडी से अपनी तारीफ कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब वगैरह वगैरह चीज़ें। खैर दोस्तों, आपको दो लफ्ज़ों में बताऊँ, इतना टाइम नहीं है। सबसे पहले तो मेरी ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊं, उनको रोस्ट करूं। हालांकि आप सभी फैंस लोग, सभी भाइयों के कमेंट है, रवि भाई आप बताओ तो इसकी बैंड बजा दें हम उस छपरी यूट्यूबर की, साथ ही साथ उसके वीडियो में, उसके वीडियो में कई हमारे यहां के भाई लोग जाके उसको लताड़ा है भाई कि रवि चौधरी के खिलाफ ऐसा मत बोलना, भरोसा नहीं तो जाके देखो वीडियो को, भाई लताड़ा है भाई। दोस्तों को बता दूं कि ये मेरे पीछे पड़ चुका है हाथ धो के, क्योंकि मैं इसकी आंखों में चुभ रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और ये मुझे हर तरीके से बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि सनी देओल आगे बढ़े, ये नहीं चाहता कि सनी देओल की फिल्में आगे बढ़े, और ये नहीं चाहता, तभी तो दोस्तों ये मुझे ट्रोल कर रहा है। इसकी आदत बिल्कुल छपड़ी वाले एसआरकेंस की तरह है गाइस, बिल्कुल इसकी तरह ही है, ये नीचा दिखाएगा, ट्रोल करेगा और जानबूझ के बदनाम करेगा। करने तो दोस्तों हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा काम है सनी देओल को सपोर्ट करना और वो हम करेंगे दोस्तों, चाहे कोई कितनी भी हमसे नफरत करे। हमने पाजी को सपोर्ट किया है तहे दिल से, कुछ लोग इसकी भावना से सनी पाजी की वीडियो बनाते हैं और आज उनके चैनल डिमोनेटाइज हो चुके हैं, इस वजह से वो नहीं चाहते कि किसी का भला हो सके। तो दोस्तों हमें उनकी ज़्यादा बातें नहीं करनी है, बस एक लाइन में बोलूँगा दोस्तों, ट्रस्ट मी, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। बाकी हनुमान जी का आशीर्वाद है दोस्तों, श्री राम प्रभु का आशीर्वाद है, तो देर किस बात की, आई शुरू करते हैं। वेल दोस्तों सॉरी, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। जट मूवी, जी हाँ गाइस, जट मूवी अब कमाएगी करोड़ों। जट मूवी में सन्नी पाजी, जो कि दोस्तों सितंबर एंड में इसकी शूटिंग रैप हो जाएगी, एंड सितंबर के बाद सन्नी पाजी हनुमान मूवी एंड रामायण मूवी एंड बेसिकली बॉर्डर 2 के प्री प्रोडक्शन शूटिंग में मूव हो जाएंगे। आई मीन दोस्तों, सितंबर के बाद बॉर्डर 2 की शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी गाइज। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि बॉर्डर 2 के चर्चे हो रहे, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, बॉर्डर 2 के लिए एक और न्यूज आई उस पर भी अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी हम बात करेंगे जट मूवी को लेकर। जट मूवी सबको पता है, सियामी खे, रगीना कैसेंड्रा, गोपीचंद मलानी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, पुष्पा 2 के अल्लू अर्जुन का बैनर, बोले तो भैया मैत्री मूवी मेकर्स हैं, जो कि आज से पहले पुष्पा के टाइम से कोई इस प्रोडक्शन हाउस को नहीं जानता था, बट मैत्री मूवी मेकर को पुष्पा के बाद एंड पुष्पा 2 के बाद हर कोई जानने लग गया है। एंड मैत्री मूवी मेकर दोस्तों अब तो जूनियर NTR, इसके अलावा रवि तेजा, साथ ही साथ बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टारों को रखकर, इसके अलावा डायरेक्टर नील, यश, उनको रख के बड़ी बड़ी फिल्में बना रहा है, तो सनी देओल को रख के बड़ी बड़ी फिल्म बना रहा है। आने वाले टाइम पर दोस्तों मैत्री मूवी मेकर बहुत बड़ा प्रोडक्शन और बैनर बनने जा रहा है, ये बात लिख के ले लेना आप, क्योंकि इसकी फिल्म में दोस्तों हजार हजार करोड़ कमाएगी और कमा भी रही है। पुष्पा 2 1500 करोड़, मार्क माई वर्ड, पुष्पा 2 को कोई नहीं फेल कर सकता गाइज। जैसे सनी देओल की जट मूवी आ रही है, इसको भी कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जट अकेला 100 पे भारी है, और सनी पाजी की फिल्में भाई साहब जब तक कि गुस्सा ना हो, एंग्री ना हो और 2.5 किलो का हाथ ना हो, वो फिल्म अधूरी है, पाजी खुद बोलते हैं। गाइस, जट मूवी के अंदर बहुत सारे एक्शन सीन शूट हो चुके हैं, सॉन्ग शूट चल रहा है, अभी भी शूटिंग के कई पार्ट चल रहे हैं। आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 60% से भी ज़्यादा शूट हो चुका है। राम लक्ष्मण का स्टंट डायरेक्टर था। गाइस, आपको बता दूं कि इस फिल्म के पूरे चांसेज हैं नेटफ्लिक्स के OTT राइट बिकेंगे और Amazon Prime के। ये फिल्म दोस्तों
2025 के 15 अगस्त पे फैंस लोगों की डिमांड है, लेकिन मुझे लगता है ये फिल्म अगले साल मार्च के बाद कभी भी आ सकती है, मार्च टू जुलाई के बीच में आ जाए। लेकिन दोस्तों 15 अगस्त पे ये फिल्म आ जाए तो एक बात ही अलग होती है, क्योंकि सन्नीपाजी की फिल्म है 26 जनवरी 15 अगस्त पे आए तो फिर माहौल अलग बन जाता है। दोस्तों जट मूवी की कहानी रोमांचक है, एक्शन है, भरपूर VFX देखने को मिलेगा, उसके अलावा दोस्तों भरपूर एक्शन, कहानी अच्छी है, स्टोरी लाजवाब है, एंड सन्नीपाजी इसके अंदर नए एक्शन अवतार में तो दिखेंगे ही। साथ ही साथ दोस्तों इनके साथ जो क्रू टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं वो भी बहुत बड़े लेवल के लोग हैं गाइस, बहुत बड़े लेवल के लोग हैं, कोई आंडू पांडू डायरेक्टर और टेक्नीशियंस नहीं है। तो मैत्री मूवी मेकर दोस्तों आपको बता दूं कि ये एक प्रोड्यूसर है, बैनर है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, मैत्री मूवी मेकर जो है दोस्तों वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर भी बन चुका है। मैंने ये न्यूज़ पहले भी दी थी, जैसे कि यश राज एक बहुत बड़ा बैनर है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी चलती है ओवरसीज में, पैन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। दोस्तों वो अब स्क्रीन्स और एक डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कंट्री में। वैसे दोस्तों मैत्री मूवी मेकर भी डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में आ चुका है। अब डिस्ट्रीब्यूशन से फायदा क्या है, देखो बैनर तो है ही मैत्री मूवी मेकर, अगर जट मूवी रिलीज होगी तो ऑफकोर्स जट मूवी की प्रमोशन होगी मैत्री मूवी मेकर के द्वारा। प्रोड्यूसर का भाई 120 करोड़ लगा है तो पैसा तो रिकवर करवाएगा ना, प्रमोशन तो पूरी जी जान लगा देगा, तो प्रमोशन जबरदस्त होगी। एंड मैत्री मूवी मेकर दोस्तों आपको बता दूं कि अब डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है तो शो ज़्यादा बढ़ेंगे, स्क्रीन ज़्यादा बढ़ेंगे, एंड शो स्क्रीन बढ़ेंगे तो कलेक्शन ज़्यादा बढ़ेंगे, एंड कलेक्शन ज़्यादा बढ़ेंगे तो भाई धमाल मचेगा। अब एक और बड़ी न्यूज़ दे दूँ कि भाई मैत्री मूवी डिस्ट्रीब्यूशन LLP, मैत्री मूवी ने अपना एक कंपनी खोल लिया है मैत्री मूवी डिस्ट्रीब्यूशन LLP करके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और इसके अंदर दोस्तों एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है अब ये एग्जीब्यूटर भी बन चुके हैं, बोले तो एक सिंगल थिएटर ऑनर के मालिक ही बन चुके हैं। गाइज मैत्री मूवी मेकर सब अपने अपने लोकेशन पे थिएटर खोल रहा है, एंड क्या थिएटर है गाइज, थिएटर देखो यार भाई, थिएटर देखने के बाद 1070 mm का थिएटर, 1000 लोगों की कैपेसिटी, सिंगल थिएटर, ऑडियो वर्ल्ड क्लास, फंटास्टिक है, एम्बियंस अच्छा दिख रहा है, और भाई साहब जो थिएटर का लोकेशन है बड़ा कमाल का लग रहा है। मैत्री मूवी मेकर अपना हैदराबाद में थिएटर खोल चुकी है, एंड गाइज बिलीव करो, क्या मैत्री मूवी बेवकूफ होगा, उसकी फिल्म आएगी और अपनी फिल्म को रिलीज नहीं करेगा, भाई पूरी फिल्म के प्रमोशन के चांस और बढ़ चुके हैं। अब तो थिएटर भी अलग अलग लोकेशन, हैदराबाद में दोस्तों ये थिएटर खुल चुका है, बालानगर में आई गेस, एंड जहाँ एक तरफ सन्नीपाजी नॉर्थ में अकेले ही काफ़ी है दोस्तों 1500-1500 स्क्रीन पे फाड़ने के लिए, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ सन्नीपाजी ने साउथ में भी अपना हथौड़ा उठा लिया है। इस बार साउथ के अंदर सन्नीपाजी का हथौड़ा और पता नहीं क्या क्या बजेगा गाइज, छपरियों की बजेगी बैंड, क्योंकि अब नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट सब जगह सन्नीपाजी छाएंगे। एंड मैत्री मूवी मेकर डिस्ट्रीब्यूशन LLP गाइज हर राज्यों में, हर सेंटर पर अपने थिएटर भी खोल रही है, तो बैनर कितना सॉलिड, डिस्ट्रीब्यूशन कितना सॉलिड, एंड थिएटर भी दोस्तों हर राज्य में होगा, तो आप सोच सकते हो कि क्या प्रमोशन होने वाली है बाबा। भाई साहब नेटफ्लिक्स Amazon प्राइम पे 150-200 करोड़ में इसके राइट बिकने वाले हैं गाइज, ये फिल्म नहीं आंधी है, जट मूवी आंधी है गाइज, और ये फिल्म मैं गारंटी कहूंगा 1000 करोड़ कम भी पड़ जाएंगे, बहुत बड़ी फिल्म है दोस्तों, बहुत बड़ी फिल्म है। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट, ऐसे कमाएगी जट मूवी करोड़ों, एंड सन्नी देओल ने जट मूवी के अंदर भी कहा जा रहा गाइज बहुत मोटी रकम ली है, बहुत ही ज्यादा मोटी रकम की है, कम से कम 40 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के बीच में मोटी रकम चार्ज की है सन्नीपाजी ने। तो गाइस सन्नीपाजी की डिमांड बढ़ती जा रही है, एंड सन्नीपाजी की और भी अपडेट आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। दोस्तों मैत्री मूवी मेकर को सलाम है, पुष्पा 2 के इस बैनर ने जो अब कमाल करेगी, क्योंकि तो दिसंबर के बाद दोस्तों पुष्पा 2 हिट होने के बाद, ब्लॉकबस्टर होने के बाद आपको बता दूं कि जट मूवी आ जाए और पुष्पा 2 के साथ इसकी प्रमोशन हो जाए, जट मूवी की अल्लू अर्जुन के साथ सन्नी देओल कॉम्बो, गाइस लिटरली बिलीव मी, फाड़ कर रख देंगे सन्नीपाजी, फाड़ कर रख देंगे भाई, और क्या ही प्रमोशन होगा, ऑल इंडिया 9000 स्क्रीन कम से कम, ओवरसीज में 2500-3000 स्क्रीन, शोज मोर देन 20,000, अमेजिंग यार सोलो रिलीज मिल जाए भाई साहब, 1000 करोड़, 100 करोड़ की ओपनिंग पार, एंड रिकॉर्ड तोड़ देगी भाई, स्त्री भी कुछ नहीं होगी। तो गाइस जट मूवी के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, क्या लगता है जट मूवी फाड़ कर देगी गाइस, देखो यार जट मूवी का सितंबर की शूटिंग के बाद इसका पोस्टर, इसका टीजर आ सकता है, ट्रेलर तो अभी नहीं कहूंगा बट टीजर, पोस्टर और कुछ अपडेट आ सकती है अभी रिसेंटली दोस्तों कुछ टाइम के बाद, तो बने रहिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।